देखिए बेटा, इसमें आज का पार्ट थर्ड है जिसमें लिखा है कि टिल जो कंजंक्शन मैं आप लोग को बता रहा था सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो उसमें आपका सेवन्थ वाला आपका आया है टिल, या टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, और इन सब की मीनिंग होती है जब तक। जैसे जब तक मैं नहीं आता, जब तक मैं नहीं आता मत आना, ओके, जब तक मैं नहीं आता मत आना, जब तक मैं नहीं आता। तो जब तक की सबसे पहले लिखिए टिल, ओके, टिल आई डोंट कम, मैं नहीं आता, मत आना, मत जाना, सॉरी, डोंट गो। अब यहाँ पे टिल की जगह पे टिल द टाइम भी लिख सकते थे, बाय द टाइम भी लिख सकते थे, है ना, कुछ भी लिख सकते थे। यहाँ पे बाय द टाइम भी लिख सकते हैं, बाय द टाइम, ये भी सही है, जो मन हो वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जब तक तुम यहाँ हो मैं खुश हूँ, जब तक तुम यहाँ हो मैं खुश हूँ। आप यहाँ पे एज लॉन्ग एज से बना के देख लीजिए, एज लॉन्ग एज यू आर हेयर मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, है ना, जब तक के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक आपका कंजंक्शन आता है अनटिल और अनलेस, इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं। अनटिल जो होता है, आप देख पा रहे इसमें जब तक तो आया लेकिन साथ में नहीं भी आया, इसका मतलब ये एक निगेटिव सेंटेंस है। अनटिल जो है किसी समय के लिए यूज़ करते हैं, अनलेस जो है वो किसी कंडीशन यानी किसी शर्त के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ बाद में कोई शर्त होगी वहाँ पे अनलेस का यूज़ करिएगा, जहाँ समय की बात हो रही होगी वहाँ पे अनटिल का यूज़ करिएगा। और साथ ही मीनिंग में नहीं आ रहा है, नहीं आने का अर्थ है कि जिस सेंटेंस में, जिस क्लॉज में ये अनटिल और अनलेस लगे होंगे वहाँ पे आप उसके आगे नॉट या नो या नेवर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे लिखा है जब तक कि मैं नहीं आता मत जाना, अब ये सेंटेंस कोई आपका शर्त वाला नहीं है, ये आपका समय है कि जब तक मैं ना हूँ, मतलब समय लग रहा है ना, तो यहाँ पे आप अनटिल का यूज़ करेंगे, जब तक कि नहीं, है ना। देखिए जब तक भी आया, कि भी आया, नहीं भी आया, ये नहीं कि आप एज सून एज लगा दें इसमें, है ना, या आप जो मैंने इससे पहले बताया टिल लगा दें या बाई द टाइम लगा दें, ये नहीं। जब तक कि नहीं का अगर सेंस है तो आप यहाँ पे अनटिल और अनलेस का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए अनटिल, क्योंकि समय का भाव दे रहा है, अनटिल जब तक कि आई आई कम, अब हो गया, इसका मतलब है जब तक कि मैं नहीं आता। अब यहाँ पे नहीं की मीनिंग आ गई इसके अंदर, अनटिल के अंदर, मत जाना, है ना, डोंट गो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है जब तक तुम नहीं आते मैं यहीं रहूँगा, जब तक तुम नहीं आते मैं यहीं रहूँगा, ये भी देखिए यहाँ समय का भाव आ रहा है इसमें भी। तो यहाँ पे लिखेंगे अनटिल, जब तक कि तुम नहीं आते, यू कम, मैं यहीं रहूँगा, आइल आइल या आई विल या आई शैल ऐसा लिख सकते हैं, आइल स्टे हेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है राम नहीं पढ़ेगा जब तक उसे खेलने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि भाई पढ़ेगा नहीं जब तक खेलने नहीं दिया जाएगा, है ना, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं हो पाओगे, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो भाई शर्त लगाया जा रहा है कि पढ़ खेलने दिया जाए भाई उसको, है ना। तो यहाँ पे आप राम नहीं खेलेगा, है ना, राम नहीं पढ़ेगा, सो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं राम विल नॉट स्टडी। तो देखिए इस वाले क्लॉज में नॉट का यूज़ हुआ है, लेकिन अभी जब अनटिल और अनलेस लगा दिया जाए तो आगे वाले क्लॉज में नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लगाइए अनलेस, कि राम विल नॉट स्टडी, ये अलग क्लॉज है, इसमें नॉट का यूज़ हो गया, अब आगे वाले में नहीं होगा। अनलेस जब तक कि उसे खेलने नहीं दिया जाएगा, अनलेस अनलेस ही विल, या जब तक कि तुम उसे खेलने नहीं दोगे, ना, यही तो भाव आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे यू का यूज़ करिए तो ज़्यादा सही है, मैं लिख भी रहा था, काट भी दिया मैंने, यू विल लेट हिम प्ले, जब तक कि तुम उसे खेलने नहीं दोगे, है ना, ये भाव आना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट उसमें नहीं था। अगर आप वहाँ से बनाएंगे कि उसे खेलने नहीं दिया जाएगा तो ही पर जाएंगे तो सेंटेंस पैसिव बनने लगेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए लेस्ट का यूज़ करके बताया जा रहा है कि लेस्ट के साथ शुड का यूज़ यहाँ पे बताया गया। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होता है, जहाँ कहीं पे लेस्ट आता है वहाँ मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, मैं मेहनत करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ, मैं मेहनत करूँगा, ओके। तो आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूँगा,
कहीं ऐसा ना हो, तो लेस्ट लेस्ट मैं फेल ना हो जाऊँ, तो आई शुड फेल। अब आप देखिए बेटा, शुड और लेस्ट का जोड़ा होता है, शुड जहाँ लेस्ट जहाँ आएगा वहाँ शुड आएगा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताया जा रहा है वाइल का यूज़। वाइल जो होता है वो किसी काम को लगातार एक साथ दो काम को करते करते रखा जाता है, तो करते हुए की मीनिंग आती है। वाइल के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आनी चाहिए, इसका मीन्स है एक काम करते हुए दूसरा काम करना। जैसे मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ, अब चल भी रहे हो पढ़ भी रहे हो, या पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, जाते सोते सोते मैं गिर पड़ा, तो एक काम दो काम दोनों साथ में हो रहे हैं। अगर इस टाइप के आ जाए, जैसे मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ या मैं चलते चलते पढ़ रहा हूँ, इस टाइप की मीनिंग आ जाए, तो आप लिखेंगे आई एम रीडिंग, कि मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे वाइल, वाइल लगाया चलते हुए, वाइल वॉकिंग, ठीक है ना। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, वाइल वॉकिंग चलते हुए, या पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, तो वाइल वाइल पढ़ते पढ़ते, तो पढ़ते पढ़ते कि वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते हो गया, पढ़ते पढ़ते ओके मैं सो गया, आई स्लेप्ट ओके मैं सो गया। फिर देखिए वाइल जो होता है वो उसका यूज़ दो काम के लिए भी तो होता ही है, साथ में वाइल का यूज होता है वो जबकि के लिए भी होता है। वेयर एज और वाइल, इन दोनों की मीनिंग होती है जबकि। जैसे दूल्हा केवल 20 साल का है जबकि दुल्हन 30 की, जबकि, है ना। मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि, तो आपके पास 50 रुपए हैं। दूल्हा केवल 20 साल का है, है ना, तो आप जो है इसको बना सकते हैं कि द ग्रूम, ग्रूम मिस होता है दूल्हा, द ग्रूम इज ओनली 20 इयर्स ओल्ड, वाइल जबकि द ब्राइड, दुल्हन की होती है ब्राइड, द ब्राइड इज 30, ठीक है ना, 30। मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि आपके पास 50 रुपए हैं। आई हैव 10 रुपीज वाइल जबकि यू हैव आपके पास 50 रुपीज, है ना, ऐसे आप कर सकते हैं। तो आप के पूरी कंजंक्शन जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको जब आपको सिंथेसिस सिखाया उसमें ढेर सारी कंजंक्शन बताई, साथ ही मैंने उन कंजंक्शन का ट्रांसलेशन भी करके बताया, तो आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। आज आपका सिंथेसिस का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊँगा। कल के वीडियो में मैं आप लोग को सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊँगा, उसके बाद मैं आपको कंपाउंड की प्रैक्टिस कराऊँगा, कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस कराऊँगा, और फाइनली आपका जो सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड डे।